नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। महंगाई राहत कैंपों में लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ के पार। 4,64,00,000 से ज्यादा बने गारंटी कार्ड होल्डर। सोर्स सस्टेनेबिलिटी इन राजस्थान विषय पर कार्यक्रम। जलदाय मंत्री ने कहा, जल संरक्षण चैप्टर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। शिक्षा मंत्री ने जारी किया प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 का परिणाम। 12,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हुए पास। घर घर का सहारा साबित हो रहे महंगाई राहत कैंप आमजन की तकलीफों को दूर कर उन्हें राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कैंपों में राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ की गारंटी मिल रही है, जिनसे लाभान्वित परिवारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं 4,64,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन में जबरदस्त उत्साह है। प्रदेशवासी बड़ी संख्या में राहत कैंपों में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कन्वर्जन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी इन राजस्थान विषय पर आयोजित स्टेट कंसल्टेशन कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के प्रति कम उम्र से ही बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए चैप्टर स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि PHED एवं भूजल विभाग द्वारा जल संरक्षण और जल के बेहतर प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम सामग्री तैयार कर स्कूली शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जलदाय मंत्री ने कहा कि जल की बचत ही जल का उत्पादन है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये बात आमजन तक पहुंचाकर भविष्य के लिए पानी बचाने की मुहिम में उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। अगर उसके मर्म को समझ लिया जाए, बात का जो भावार्थ है उसको समझ लिया जाए, तभी उसकी सार्थकता है। जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि जल की बचत ही जल का उत्पादन, ये इसलिए कहा जाता है, आपने साथ में ये भी जोड़ा, जल पैदा नहीं किया जा सकता। ये जो प्राकृतिक जो जल हमें मिलता है, इसके अलावा हम इसको पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, किसी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो जब किसी चीज को बना नहीं सकते तो उसका बचत ही उसकी उसका उत्पादन है। ये भी हमारा नारा है, जल की बचत ही जल का उत्पादन है। हमारा ये भी नारा है, जल है तो कल है, क्योंकि बिना जल के कोई जीवन की संभावना नहीं होती। दूसरे ग्रहों से भी पे भी जब खोजबीन होती है कि यहाँ जीवन की कोई संभावना है क्या, तो वहाँ की जो माटी होती है उसमें जलीय अंश की खोज की जाती है। जिस माटी में जलीय अंश नहीं होता वहाँ जीवन की संभावना हो नहीं सकती। इसलिए कहते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल की बचत ही जल का उत्पादन है। ये साधारण बातें नहीं है, ये सारगर्भित बातें हैं। और इनको जो समझेगा वो निश्चित रूप से जल की बचत भी करेगा, जल के महत्व को समझेगा। आज मैंने इस वर्कशॉप में ये बात भी कही है कि हम एक अध्याय बनाए, एक लेसन बनाए जो स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाने की हम कोशिश करें। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजें कि भाई ये जल का प्रबंधन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा प्रबंधन होगा तभी जल बचेगा, और जल बचेगा तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन माना जाएगा, और साथ ही हमारी आदतें ऐसी बनेंगी कि जो जल की कमी वाला राजस्थान है, हम बहुत बेहतर तरीके से जल का उसका उपयोग कर सकें। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 का परिणाम जारी किया। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के शिक्षा विभागीय परीक्षा के पंजीयक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस परीक्षा में प्रदेश भर से कुल 13,05,355 परीक्षार्थी शामिल हुए। उनमें जयपुर जिले के सबसे ज्यादा 1,23,933 परीक्षार्थी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 12,33,702 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। कुल परीक्षा परिणाम 94.50% रहा। डॉक्टर कल्ला ने बताया कि 2,438 परीक्षार्थियों का परिणाम विविध कारणों से रोका गया, जिसे बाद में जारी किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने ए ग्रेड प्राप्त करने वाले अजमेर की सबरीन बानो और उदयपुर के जय सोनी से फोन पर बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की।
राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हिंडौली की रामसागर झील के सौंदर्यकरण को लेकर युवा और खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने झील का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हिंडौली की रामसागर झील प्रदेश की सुंदर झीलों में शामिल होगी। 15 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले सौंदर्यकरण के बाद आने वाले दिनों में ये झील सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। उन्होंने बताया कि झील के सौंदर्यकरण के लिए 2 किलोमीटर लंबी ट्रैक बनाई जाएगी, साथ ही बारहदरी पर चौपाटी का निर्माण करवाया जाएगा। इसके पास में बच्चों के लिए विशेष पार्क तैयार कर उसमें झूले लगाए जाएंगे। झील की दीवारों पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी जिससे रात में झील जगमगाती दिखेगी। देखिए, हिंडौली के हमारे लोगों के लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर 15 करोड़ रुपए इस झील के लिए आवंटन किए और बजट के तहत बजट घोषणा के तहत बजट पीडब्ल्यूडी के पास में आ चुका है। 2-2.5 महीने से इसके नक्शों का काम चल रहा था। 2-3 बार मैंने भी देखे, उनमें कुछ सुधार करवाए, क्योंकि जो एक चीज़ बन रही है तो वो बेहतर बननी चाहिए और आज उसका फाइनल हो गया है। तो मुझे लगता है कि 10 दिन में प्रक्रिया पूरी होकर टेंडर लग जाएगा और बहुत जल्दी हिंडौली के हमारे लोगों को इस झील के लिए सौंदर्यीकरण, पार्क, चाइल्ड पार्क, कैफेटेरिया, जिम, रनिंग ट्रैक, सिंथेटिक ट्रैक और क्या नाम से जो यहाँ पर चौपाटी भी बनाएंगे। तो देखा जाए तो बच्चों से लेकर, बूढ़ों से लेकर, जवान से लेकर, आदमी से लेकर, महिलाओं से लेकर, सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात साबित होगी। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विद्यालय और महाविद्यालय स्तरीय राजकीय और अनुदानित छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में वर्ष 2023-24 के लिए 23 मई 2023 से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र sso.rajasthan.gov.in पर नए पोर्टल के जरिए आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही एक विद्यार्थी द्वारा आवेदन पत्र में ज्यादा से ज्यादा 3 छात्रावासों या आवासीय विद्यालयों का चयन किया जा सकेगा। श्रीगंगानगर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेतिया कॉलोनी में वार्ड नंबर 26 और 27 और गांव 18 जीजी में आयोजित महंगाई राहत शिविर का विधायक श्री राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी ने निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी सौंपे। इस अवसर पर विधायक श्री गौड़ ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुँचाने के लिए महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गाँवों के संघ और शहरों के संघ अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने लोगों को राज्य सरकार की 10 जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों से इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान किया। राज्य सरकार प्रदेश में वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस श्रीमती वीनू गुप्ता ने माइंस विभाग के अधिकारियों को 3 सूत्रीय संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वैध खनन को बढ़ावा, अवैध खनन पर प्रभावी सख्त कार्रवाई और राजस्व बढ़ोतरी हमारा ध्येय है। साथ ही बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। ACS श्रीमती गुप्ता ने बुधवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभागीय गतिविधियों के विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि माइंस क्षेत्र में विकास की गति को बनाए रखना है। उन्होंने एक्सप्लोरेशन कार्य में और अधिक तेजी लाने के और ऑक्शन कार्य का रोडमैप बनाने के निर्देश दिए। अजमेर डिस्कॉम द्वारा मीटर टेस्टिंग के लिए मिनी मीटर लैब खोले जैसे नवाचार किए जा रहे हैं। डिस्कॉम ने इस नवाचार से बड़ी सफलता हासिल की है। देखिए खास रिपोर्ट। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अपने एक नवाचार से बड़ी सफलता हासिल की है। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण के निर्देश पर डिस्कॉम के प्रत्येक उपकरण में मिनी मीटर लैब की स्थापना की गई है। डिस्कॉम द्वारा प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में DC, PDC एवं डिफेक्टिव मीटर उतारता है। कई मीटरों में डिस्प्ले नहीं होने या अन्य कारणों से फाइनल रीडिंग नहीं हो पाती है। इस समस्या के समाधान के लिए डिस्कॉम ने प्रत्येक उपकरण में मिनी मीटर लैब स्थापित की है। ये मिनी मीटर लैब सफलता का पर्याय बन गई है। डिस्कॉम अब तक 6,000 से ज्यादा उतारे हुए मीटरों की जांच कर चुका है। इनसे 22,70,000 यूनिट कैप्चर की गई है। इस रीडिंग को उपभोक्ताओं के बिल में डेबिट करने से डिस्कॉम को लाखों रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।